नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्मचारी चयन आयोग में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन का मौका। नगर निगम चुनाव में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होंगे ये काम। सीएम नीतीश को निर्देश, आवेदकों को शीघ्र दें डीजल अनुदान। सूर्य कुमार यादव ने खुद के बारे में किया बड़ा खुलासा। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कर्मचारी चयन आयोग में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गया है। SSC CGL 2022 में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SSC CGL परीक्षा 2022 के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व संस्थानों में ग्रुप बी और सी के करीब 20,000 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर 2022 है। CGL टीयर 1 परीक्षा की संभावित तिथि दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है, जबकि टीयर 2 परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। सीएम नीतीश का निर्देश, आवेदकों को शीघ्र दे डीजल अनुदान। सीएम नीतीश ने बीते दिन शनिवार को बिहार में कम बारिश से उत्पन्न सूखे की स्थिति और आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि गांव स्तर तक सुखाड़ की स्थिति की बारीकी से आकलन जल्द से जल्द करा लें और किसानों को हर संभव सहायता देने की पूरी तैयारी रखें। इसके साथ ही जितने भी किसानों के द्वारा आवेदन दिए गए हैं उन सभी को डीजल अनुदान शीघ्र उपलब्ध कराएं। बता दें कि अब तक 4,52,000 किसानों के खाते में 62,13,00,000 का भुगतान डीजल अनुदान के रूप में किया गया है। नगर निगम चुनाव में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होंगे ये काम। बिहार नगर निगम चुनाव के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें स्थानीय चैनलों पर अनुमति के बिना प्रचार पर रोक लगाई गई है। अभ्यर्थियों द्वारा नगर पालिका निर्वाचन में स्थानीय समाचार चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार तब ही किया जा सकता है जब उन्हें निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों द्वारा शहरों में नियत स्थानों पर अपने प्रचार के उद्देश्य से भुगतान के आधार पर बैनर पोस्टर लगाए जा सकते हैं। इन नियमों का पालन न करने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों के मध्य समानुपाती रूप से एवं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्थलों का आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा। बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी में 5 वर्ष बाद शुरू होगी रूसी भाषा की पढ़ाई। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के 5 वर्ष बाद फिर से रूसी भाषा की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 3 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के बाद विद्यार्थी यहां से रूसी भाषा की पढ़ाई कर पाएंगे। बता दें कि 2017 तक यहां रशियन विभाग संचालित था, जिसके बाद विद्यार्थियों का नामांकन हुआ और न शिक्षक की नियुक्ति हुई। फिलहाल विभिन्न पीजी विभागों में अध्ययनरत विद्यार्थी रूसी भाषा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। बिहार में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में अच्छी वर्षा हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के दिल्ली केंद्र ने रविवार को बिहार और गंगा के तटीय इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन का मौका। बिहार में उच्च शिक्षा हासिल करने के प्रयास में जुटे छात्र छात्राओं के लिए दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय से अपडेट जारी किए गए हैं। CUSP में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए एकीकृत स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह प्रक्रिया 25 सितंबर 2022 तक जारी रहेगी। वहीं पटना विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर स्तर के सभी नियमित विषयों में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर बीते दिन जारी कर दिया है। देव परिधि में आज अंतिम दिन हो रहा कर्मकांड। पितृपक्ष के मौके पर आज देव परिधि में चौथा दिन का कर्मकांड यानी पितृपक्ष के 9वां दिन देव परिधि में ही कर्मकांड किया गया। उसके बाद देव परिधि से बाहर सोमवार फल्गु नदी के पूर्वी तट पर स्थित सीताकुंड पिंड वेदी पर होगा। बता दें कि कर्मकांड को लेकर सुबह से देव परिधि में पिंडदानियों का आगमन शुरू हो गया, जहां तीर्थयात्रियों को एक एक कर जांच पड़ताल के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। पटना में लालू यादव से मिले मनोज वाजपेयी। बिहार की राजधानी पटना में अभिनेता मनोज वाजपेयी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम ने अपने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर जानकारी दी और लिखा, बिहार की धरती के बेटे हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता पद्मश्री वाजपेयी मनोज जी निवास पर पहुंचे और पिता श्री लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के माध्यम से फिल्म उद्योग में एक पहचान स्थापित करके बिहार को गौरवान्वित किया है।
संजय जायसवाल ने दी सीएम नीतीश को नसीहत। बिहार की राजधानी पटना में सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह नालंदा से बाहर बिहार में भी कहीं चुनाव लड़ सके, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का सपना देखना है तो फूलपुर से चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। संजय जायसवाल ने कहा कि वैसे भी बिहार में अब नीतीश जी की यह हैसियत रह गई है कि जिस भवन का उद्घाटन करने वह जाते हैं वहां पर दो उद्घाटन का रिबन लगा रहता है, जिसमें से एक वो काटते हैं और दूसरा तेजस्वी यादव। बिहार में बड़ा काम करने जा रहे हैं गिरिराज सिंह। शनिवार की शाम मुजफ्फरपुर से पार्टी के एक कार्यक्रम से वापस लौटने के दौरान नारेपुर गांव में स्थानीय सांसद सह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह किसान संवाद कार्यक्रम में कहा कि भारत सरकार कृषि पशुपालन एवं अन्य स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजना संचालित कर रही है। बिहार में मनरेगा में जहां 9000 करोड़ रुपए खर्च होता था वहां भारत सरकार ने 25000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। सरकार मनरेगा के माध्यम से किसानों को लाभ दिलाने के लिए फलदार पेड़ के साथ साथ टिम्बर प्लांट लगाने की सलाह दे रही है। लोकसभा चुनाव में यूपी से भी मैदान में उतरेंगे नीतीश कुमार। बिहार में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें यह बात भी सामने आई है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले बिहार में अपना घर संभाल लें, यूपी बहुत दूर की बात है। अगर गलती से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूलपुर में आ गए तो फूलपुर प्रयागराज की जनता जमानत जब्त करवा देगी। तेजस्वी का बेल कैंसिल कराने की अपील पर शिवानंद तिवारी का भाजपा पर पलटवार। IRCTC घोटाला मामले में CBI ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया है। CBI ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। इस पर शिवानंद तिवारी ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि इतने दिनों तक इस मामले में CBI सोई हुई थी, अब आज अचानक इसकी नींद खुल गई है, वह भी तब जब नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन से अलग होकर राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हुए हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि CBI ने कोर्ट में तेजस्वी यादव की जमानत को खारिज करने की अर्जी दी है, लेकिन दिल्ली की विशेष अदालत ने 2018 में ही तेजस्वी और राबड़ी देवी को जमानत दे दी है। जनता के सवाल पर जल्द होगा माले का आंदोलन। भाजपा माले सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। माले ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि अब भी प्रशासन पर भाजपा का दबाव है। इसके साथ ही माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि हम जनता को और सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे, लोगों के मुद्दे को लेकर सरकार से बात भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजाराम सिंह ने कहा कि बिहार में APMC एक्ट की पुनर्बहाली की मांग जरूरी है। सूर्य कुमार यादव ने खुद के बारे में किया बड़ा खुलासा। जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे पर सूर्य कुमार यादव ने सलामी बल्लेबाज के रूप में सभी को प्रभावित किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि केएल राहुल की जगह उन्हीं से ओपनिंग कराई जाए, लेकिन सूर्या ने स्पष्ट बताया है कि उन्हें कौन सी पोजीशन पर बल्लेबाजी करना पसंद है। उन्होंने कहा कि मुझे हर पोजीशन पर बल्लेबाजी करना पसंद है। मुझे लगता है कि नंबर 4 मेरे लिए एक अच्छी पोजीशन है। जिस पोजीशन में मैं बल्लेबाजी करने जाता हूँ वो मुझे खेल को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। मैं ज़्यादा जोखिम भरे शॉट नहीं खेलने की कोशिश करता हूँ। देशभर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी रविवार को जारी किए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 6,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण में मामले कमी आई है, जिसके बाद राज्यभर में कुल 83 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 47 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 104,390 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 98 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजित मिश्रा, पिकू प्रदीप, लक्ष्मी मेहता, जितेंद्र श्याम, मोटू रंगीला, अनवर करीम खान, कुलदीप कुमार, पवन सिंह, कलामुद्दीन अंसारी, प्रिंस कुमार, कामेश्वर साहू, मोहम्मद सोहेल अख्तर, अर्जुन राम, खुशबू कुमारी, हीरालाल, राजकुमार प्रसाद, लक्ष्मी देवी, के सिन्हा, मोहम्मद नौशाद, रजा, रंजीत कुमार ठाकुर, अहमद रुशदी, कविता कुमारी, शंकर मुखिया, कुमार अमरनाथ और ब्रजेश राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में दुर्गा पूजा की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।